हेलो, नमस्कार साथियों। आपका अपने नए चैनल आईटी स्टडी में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको हमारे इस आईटी स्टडी चैनल के बारे में पहले अरविंद जी सर ने बता दिया है, ये चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जो प्रेजेंट टाइम पे जो आईटीआई कर रहे हैं बच्चे, उनको तो फ़ायदा मिलेगा, जो मिलेगा ही सही, लेकिन साथ में जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं उनको आगे चलकर कंपटीशन की तैयारी आपको भी करनी है, उनको भी करनी है, तो उसमें बहुत बढ़िया कामगार साबित होने वाला है। क्योंकि हम जैसे जैसे जो जो चैप्टर पढ़ाएंगे, जैसे चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद में बहुत ज़बरदस्त की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लाया करेंगे हर चैप्टर के बाद में। तो दोस्तों, मैं आपको आईटी प्रथम वर्ष की इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स की थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्योंकि आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिशियन की जो प्रथम वर्ष की जो थ्योरी है वो लगभग सेम है, दो चार चैप्टर अलग हैं, बाकी सब सेम है। तो अपन ज़्यादा बात नहीं करते हुए अपन चैप्टर को शुरू करते हैं। आज अपना जो पहला चैप्टर रहेगा वो दोस्तों रहेगा अपना चुंबक, इनके मैग्नेट क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और कितने टाइप्स के मैग्नेट होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अपन शुरू करते हैं कि मैग्नेट होता क्या है। देखो दोस्तों, इतिहास में ये बताया गया है कि एक एशिया में एक जगह देखी गई थी, उस जगह का नाम था, जैसे ये रेड कलर में दिख रहा है ना आपको, ये वाली ये जगह थी मैग्नीशिया। तो यहाँ पे ऐसा देखा गया था कि एक पत्थर पाया गया था, यहाँ पे कत्थई रंग का एक पत्थर पाया गया था। उस पत्थर में ये देखा गया था कि उसमें जो गुण थे वो लोहे की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, तो इन्होंने उसका नाम मैग्नेटाइट रख दिया। मैग्नेटाइट नाम रखने का कारण ये है कि इसका जो मिलने का स्थान था वो मैग्नीशिया था, इसलिए इसका नाम मैग्नेटाइट रख दिया। बाद में धीरे धीरे रूपांतरण होता गया और ये मैग्नेट बन गया, और हिंदी में इसको अपन चुंबक बोलते हैं। इसके अगर अपन फॉर्मूले की बात करें तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4, Fe3O4। दोस्तों, अब नेक्स्ट अपन इसकी बात करें कि मैग्नेट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके गुण क्या क्या होते हैं मैग्नेट के। देखिए, इसके पहले पॉइंट में देखते हैं अपन कि यह लोहे के बुरादे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यानी कि जैसे अपन सब जानते हैं कि ये कोई मैग्नेट है, यहाँ पर कोई लोहे का बुरादा है, तो ये लोहे के बुरादे को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि इसको अपनी ओर खींचने का काम करता है। दूसरी बात अपन देखें कि सबसे ज़्यादा अगर कोई मैग्नेट, जैसे ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल मान, तो अगर इसको किसी लोहे के बुरादे में फेंक दिया जाए या इसको किसी के लोहे के बुरादे में पटक दें, तो सबसे ज़्यादा जो लोहे का बुरादा है वो कहाँ पर चिपकता है, वो चिपकता है दोस्तों ध्रुव पर। जो इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों जो होते हैं, दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव, उन ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा लोहे का बुरादा चिपकता है, ना कि बीच में। तो अपन को ध्यान रखना है कि चुंबक में सबसे ज़्यादा जो लोहे का जो बुरादा है वो दोनों ध्रुवों पर चिपकता है, ना कि बीच में। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो इसमें है कि यह स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है, यानी कि दोस्तों यदि कोई मैग्नेट है इसको अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, जैसे कि मैं आपको ये मैं इसके माध्यम से दिखाता हूँ, डायग्राम के माध्यम से, यानी कि ये मैग्नेट है इसको धागे की सहायता से बांध के इस प्रकार से अगर लटका दिया जाए तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो यहाँ से भी दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि स्वतंत्रता पूर्वक अगर किसी चुंबक को लटका दिया जाए तो वो कौन सी डायरेक्शन में ठहरता है। तो चार ऑप्शंस आएंगे आपके, तो उसमें अपन को आंसर लगाना है, वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। नेक्स्ट इसका गुण देखें तो वो है कि दो चुंबक के सजातीय ध्रुव में
प्रतिकर्षण रिपल्शन तथा विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है। यानी कि ये मैग्नेट है, मान लीजिए ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। उसी प्रकार ये यहाँ पे एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो चुंबक के जो दो ध्रुव होते हैं, अगर दो असमान है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये साउथ पोल है और यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पे दोनों ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी कि ये जो ध्रुव है ये वाला, तो ये ध्रुव क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, और ये नॉर्थ जो पोल है, ये नॉर्थ पोल इस साउथ को अपनी ओर खींचने का काम करेगा। यानी कि दोनों अगर विपरीत ध्रुव हैं तो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। उसी प्रकार से यदि दोनों समान ध्रुव हैं, जैसे यहाँ पे नॉर्थ मान लेते हैं, यहाँ पे साउथ है, ये साउथ और ये नॉर्थ, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करेंगे, ये ध्रुव इसको दूर भेजने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों ध्रुव हमेशा प्रतिकर्षण करते हैं, इनके जो समान ध्रुव होते हैं उनमें तो प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुव होते हैं उनमें आकर्षण होता है। ये अपन प्रैक्टिकली सब जानते भी हैं, जैसे अपन चुंबक लेके देखते हैं, कभी आपने भी देखा होगा, तो ये इस टाइप से ये एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। नेक्स्ट अगर इसका गुण देखें तो वो है कि किसी लोहे की छड़ पर यदि चुंबक को बार बार रगड़ा जाता है तो वो चुंबक बन जाती है। जैसे दोस्तों ये चुंबक है और ये कोई लोहे की छड़ है, इस लोहे की छड़ पे यदि इस चुंबक को बार 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 अपन रगड़ेंगे तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं मैग्नेट के गुण आ जाते हैं, और धीरे धीरे ये लोहे की जो छड़ हैं ये भी एज ए मैग्नेट काम करने लगती हैं। देखिए अब चुंबक के जो गुण हैं इसको अपन किस प्रकार से नष्ट कर सकते हैं, या फिर किस प्रकार चुंबक के गुण नष्ट हो जाते हैं। देखिए चुंबक को अगर एकदम से लाल गर्म कर दिया जाए और फिर उसको एकदम ठंडा कर दिया जाए, यानी कि चुंबक को बिल्कुल बहुत बुरी तरह से लाल कर दें और उसको एकदम से फिर ठंडा कर दें, तो उसका चुंबक तो समाप्त हो जाता है। या फिर उसको किसी हैमर वगैरह से अपन पीटें, या फिर अधिक ऊंचाई से उसको गिरा दें, यानी कि लेदे के बाद यह है कि अगर चुंबक तो कैसे समाप्त होता है, तो इसको लाल गर्म करके एकदम से ठंडा कर दें, या फिर इसको पीटें, या फिर इसको पटक दें, तो चुंबक तो समाप्त हो जाता है। एक बात और निकल के आती है कि जैसे कोई मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, अब मैंने इसको यहां से अगर कट कर दिया, ये मैंने यहां से इसको कट कर दिया, तो आप सोच रहे होंगे कि अब इसमें चुंबक का गुण नहीं रहेगा, यानी कि इसका मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, चुंबक का गुण फिर भी इसके अंदर बना रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको अगर यहां से काट देंगे तो ये क्या करता है, यहां पे देखो, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये साउथ पोल को जनरेट कर लेता है और यहाँ पर ये नॉर्थ पोल को जनरेट कर लेता है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने इसको काटा, काटने के बाद में ये देखो, जैसे इसने अपने काटा तो ये यहाँ पे देखो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसने ये नॉर्थ पोल को जनरेट कर लिया, और ये नॉर्थ पोल था, इसने साउथ पोल को जनरेट कर लिया। यानी कि अब इसको अपन कितनी भी बार काटें, दो बार, चार बार, पांच बार, छह बार काटेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली एक पोल दूसरे अपोजिट पोल को जनरेट कर लेता है। ये हो गए चुंबक के गुण, यानी कि चुंबक में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये अपन ने देखी। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि चुंबक का जो अणुक सिद्धांत है वो क्या होता है, यानी कि मोलिकुलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। देखिए दोस्तों इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि चुंबक का आणविक सिद्धांत क्या होता है। देखिए समझिए दोस्तों, अपन जानते हैं कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अब नॉर्मल अवस्था में, यानी कि जब ये सामान्य अवस्था में होता है, जब इस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगाया जाता है, किसी चुंबकीय के क्षेत्र में नहीं रखा जाता है, यानी कि नॉर्मल अवस्था में क्या होता है, इसके जो अणु जो होते हैं, पदार्थ के जो अणु होते हैं वो रेंडमली बिखरे होते हैं, इनके ये सुव्यवस्थित तरीके से जमे नहीं हुए नहीं होते, नॉर्थ कभी साउथ में जा रहा है, कभी साउथ नॉर्थ की तरफ है, तो इस तरह से ये रेंडमली जमे होने के कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, यानी कि एक अणु दूसरे अणु के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तो इस कंडीशन में ये जो पदार्थ हैं वो चुंबक की तरह व्यवहार नहीं कर पाता है। तो इसके अंदर अगर अपन देखें तो इसमें यही चीज़ बता रखी है कि हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। सामान्य अवस्था में अणु अनियमित रूप से बिखरे होते हैं और एक दूसरे के
प्रभाव को उदासीन कर देते हैं और उस कारण से पदार्थ में चुंबक तो नहीं रहता है। अब पदार्थ की अपन दूसरी कंडीशन देखते हैं, ये वाली, यानी कि जब इसके ऊपर दूसरी कंडीशन की अगर अपन बात करें, तो जैसे ही किसी पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, यानी कि जैसे ही किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो इसके जो अणु होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी कि एक साइड में नॉर्थ पोल और एक साइड में साउथ पोल। तो जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं और पदार्थ चुंबक की तरह काम करने लग जाता है, यानी कि जैसे ही किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पदार्थ के जो अणु होते हैं, वो ऑटोमेटिकली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं और पदार्थ क्या चुंबक बन जाता है। अब इस पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण आ चुके हैं, तो ये जो पदार्थ है इसके अंदर चुंबक के गुण कहाँ से आए, यानी कि पदार्थ के जो बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनकी कक्षीय गति या फिर चक्रण गति के कारण ये पैदा होता है चुंबकीय गुण। तो इस जो ये जो सिद्धांत होता है इसको अणुक सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ तक आज आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ मैग्नेट पढ़ेंगे, चुंबक कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या काम आते हैं, कौन कौन सा चुंबक कहाँ काम आता है। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जिसने भी अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो दोस्तों, सब्सक्राइब करें ताकि जल्दी से जल्दी आपको जो भी वीडियो बने वो जल्दी मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।